क्या आपने सोचा है कि लाइव मैच की एडिटिंग इतनी जल्दी कैसे होती है? और क्या आपने वृंदावन सोसाइटी की डरावनी कहानी के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज। आज इस वीडियो में मैं आपको भूत प्रेतों से लेकर एलियन तक सभी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे फैक्ट 2 सीरीज के एपिसोड 5 को। फैक्ट नंबर 1। तो एक सवाल जो सबके मन में आता है कि पहले मुर्गियां या फिर अंडा, इसका जवाब ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि पहले मुर्गियां, अंडा नहीं, क्योंकि अंडे को जो प्रोटीन बनाता है वो केवल मुर्गी द्वारा निर्मित होता है। तो अब से कोई पूछे कि पहले मुर्गियां या फिर अंडा, तो उसका जवाब होगा मुर्गी। फैक्ट नंबर 2। चलिए आपको ले चलते थाने की वृंदावन सोसाइटी में, पर आप वहाँ असल में मत जाना, क्योंकि ये सोसाइटी मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी है। इस सोसाइटी को 80 के दशक में बनाया गया था। वैसे तो इसके आसपास वाले इलाके बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, पर ये सोसाइटी वीरान पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि सोसाइटी में थप्पड़ मारने वाला भूत रहता है जो कि आधी रात में राह चलते लोगों को परेशान करता है। और यहाँ के कई ड्यूटी कर रहे गार्ड्स का दावा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रात में परेशान करता है और थप्पड़ मारता है। हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर कोई भूत नहीं रहता, यह बस एक अंधविश्वास है। वैसे तो भूत प्रेत आत्माओं का अस्तित्व हर युग, हर सभ्यता और हर देश में रहा है। कई लोग इन भूत प्रेतों की बातों पे विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं, पर क्या सच है किसी को पूरी तरह से मालूम नहीं। फैक्ट नंबर 3। तो भूत प्रेतों के बातों से निकलकर अब चलते हैं एलियंस पे। आज के समय में एलियंस को लेकर दुनिया भर में अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। हर रोज एलियंस को लेकर नई नई थ्योरी सामने आती है। कई लोग मानते हैं कि एलियंस होते हैं और कई लोगों का मानना है कि एलियंस नहीं होते हैं। पर क्या सच है ये किसी को मालूम नहीं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको एलियंस से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ। यह घटना डॉक्टर लुईस टूरी के साथ घटित हुई थी, जिनका दावा है कि इनको और इनकी पत्नी को एलियंस ने किडनैप कर लिया था। इनका कहना है कि एलियंस ने इनके ऊपर कई सारी रिसर्च की और इनकी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को एलियंस ने अपने एडवांस तकनीक से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर लुईस टूरी का कहना है कि एलियंस ने किडनैपिंग करने के बाद उनके सिर पर एक हेलमेट लगा दिया था ताकि वो पृथ्वी से जुड़ी कई सारी बातें जान सके। डॉक्टर लुईस टूरी का यह भी दावा है कि एलियंस ने इन्हें कई सारी पावर दी जिससे इन्होंने अपने कैंसर बीमारी को ठीक कर लिया, और इसी पावर की वजह से इनका मानना है कि इन्होंने कई भविष्यवाणी की जो एकदम सही साबित हुई। वैसे तो मुझे इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर मेरा मानना है कि एलियंस होते हैं, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में यह मानना कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, यह सही नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4। आपने कई प्रकार के दूध को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा या फिर उसका सेवन किया होगा, चाहे वह दूध भैंस का हो या फिर गाय का। पर आप सुन के चौंक जाने वाले हैं कि स्वीडन की डेयरी फार्म कंपनी डग ने दावा किया है कि उसने आलू से दूध बना लिया है जो कि लैक्टोज और ग्लूटेन जैसी सामान एलर्जी से मुक्त है। उनका यह भी कहना है कि इस दूध को पीने से इंसान के शरीर का फैट नहीं बढ़ता, और इस पोटैटो मिल्क के 6 लीटर पैकेट की कीमत करीब 1268 रुपए है। फैक्ट नंबर 5। भारत में स्थित आरोपी एक ऐसा शहर है जहाँ न पैसा चलता है और न किसी की सरकार। यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और यहाँ पर सबको बराबर आजादी मिली हुई है। इस शहर में लगभग 50 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं और वर्तमान में यहाँ की आबादी करीब 3000 लोगों से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6। चलिए आपको मिलवाते दुनिया के सबसे अमीर क्रिमिनल से, जिनका नाम है पाब्लो एस्कोबार। इसके पास $25 बिलियन की कुल संपत्ति थी। इसने सिर्फ अपने पैसे रखने के लिए कई सारे गोदाम बनवा रखे थे, और यह भी कहा जाता है कि सिर्फ चूहों ने ही पाब्लो एस्कोबार के $2.1 बिलियन काट के खराब कर दिए थे। फैक्ट नंबर 7। मिलियन व्यक्ति से, इनका नाम है हमजा बेदला दज। इन्होंने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर आप समझ नहीं पाएंगे कि इन्होंने सही किया या फिर गलत। दरअसल हमजा बेदला दज ने 217 बैंकों को हैक कर उनमें से 4000 मिलियन अमेरिकी डॉलर को निकाल दिया और उन अमेरिकी डॉलर को अफ्रीका और फिलिस्तान के गरीब लोगों में बांट दिया, और उन्होंने अपनी मौत की सजा को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया और हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हम सभी को मैच देखने में मजा बहुत आता है, पर क्या आपने सोचा है कि ये लाइव मैच में इतने जल्दी एडिटिंग कैसे होती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मैदान पे लगभग 30 से 35 कैमरा होता है जो सारे एंगल में घूम सकते हैं, और अंदर 50 से ज्यादा लोगों की टीम होती है जो एडिटिंग को संभालती है, और एक हेड होता है जो बताता है कि किस वक्त पर कौन से कैमरा का वीडियो दिखाना है। साथ ही एक टीम होती है जो एडिटिंग के ओवर लिस्ट पर ध्यान देती है, यानी कि जो रन होते हैं, जो छक्के और चौकों के एनिमेशन होते हैं वो सब। और फिर एक होती है एनिमेशन टीम जो गेंद की प्रोजेक्शनरी को दिखाती है जब गेंद पैड पर लगती है तब। यह काम बहुत ही जल्दी और धैर्यपूर्वक की जाती है, क्योंकि एक गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है।
फैक्ट नंबर 9, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के अटल प्रयास से हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि चांद की सतह पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने क्या खोजा। सबसे पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद के लूनार सरफेस पे सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की खोज की। और फिलहाल अभी प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड पे है, क्योंकि अभी चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस है, और अगर ऐसे तापमान में प्रज्ञान रोवर काम करता है तो उसकी पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। और हमारे विक्रम लैंडर ने चांद के अलग अलग ग्राउंड लेवल टेम्परेचर के बारे में बताया है, जैसे कि चांद के सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और चांद के सतह से 80 मिलीमीटर नीचे यही तापमान घट के -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 10, एक हवाई जहाज के टायर इतने मजबूत होते हैं कि सिर्फ एक टायर 38 टन तक का वजन उठा सकती है, और एक हवाई जहाज के टायर से केवल 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई जाती है। उसके बाद उस टायर में ग्रिफ चढ़ाई जाती है, जिससे वह टायर फिर से 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसा ग्रिफ सिर्फ 7 बार ही चढ़ाया जाता है। इसके बाद हवाई जहाज में एक नया टायर लगा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 11, हमें आज तक यही बताया जाता है कि राइट्स ब्रदर ने पहली बार हवाई जहाज को बनाया था, पर शिवकर बाबूजी तलपड़े ने राइट्स ब्रदर से 8 साल पहले 1895 में ही हवाई जहाज को बना दिया था, पर उस वक्त देश में ब्रिटिश शासन की वजह से उनके नाम को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। और आप सभी को पता है कि हवाई जहाज का आइडिया रावण जी के पुष्पक विमान से ही आया था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे स्ट्रांग जानवर का नाम टॉर्डीग्रेड है, जो ज्वालामुखी से लेकर बर्फ तक हर कंडीशन में रह सकता है। और 2007 में तो एक बार वैज्ञानिकों ने हजारों टॉर्डीग्रेड को फोटोन M3 नाम के एक स्पेस सैटेलाइट में डालकर स्पेस में भेज दिया था, और जब वो सैटेलाइट धरती पे लौटा तो पाया गया कि सभी के सभी टॉर्डीग्रेड जीवित थे।